Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट और हमने इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लिया था और बेसिकली हमने ये जाना था टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाद हमने ये जाना था कि एक एसेट है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट पैदा हो गया है, डेटा एसेट, और उसी की वजह से इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट जो है उभर कर आया है। पहले इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेट होते जा रहे हैं वैसे वैसे डेटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे डेटा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती जा रही है। आज की डेट में सारी डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में, इवन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पर सर्विस सेक्टर है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और उसके लिए मैनेजमेंट इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए जो वो इसको समझ सके और उसको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को सपोर्ट दो तरह वजह से नहीं करेगा, एक तो वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे हों और दूसरा ये है इनकॉम्पिटेंट हों। अगर कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं तो उसका सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट में कौन आता है? सीनियर मैनेजर, AGM, GM और VP/CP आते हैं। तो बेसिकली VP और जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं या GMs वगैरह हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्क मैनेजमेंट की। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन क्रीमी डेला क्रीमी, यानी कि जो मैनेजमेंट में जो टॉप मैनेजमेंट CFO वगैरह हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो, वो रिस्क मैनेजमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज़ होती है रिस्क और दूसरा होता है कंट्रोल्स। यानी पहले रिस्क को मैनेज करोगे, रिस्क को एसेस करोगे, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद रिस्क को एसेस करोगे, उसके बाद रिस्क मैनेज करोगे, रिस्क की स्ट्रेटजी बनाओगे, और रिस्क मैनेजमेंट में आप वो कंट्रोल्स भी लगाओगे। उसके बाद हमने बोला कि ये तो मैनेजमेंट के प्रस्पेक्टिव से हो गया। ऑडिटर के प्रस्पेक्टिव से भी हमने जाना कि ऑडिट करने जाओगे तो वहाँ पर रिस्क बढ़ गया, एक नया एसेट पैदा हो गया, इन्फॉर्मेशन एसेट पैदा हो गया, और जो कि बहुत वैल्यूएबल हो गया, जो कहाँ से कहाँ भाग जाए कोई पता नहीं, उसका ट्रैक रखना मुश्किल हो गया। ये ऐसा एसेट है, इसमें अपने आप ये समझ लो इसके मूवमेंट इतनी फास्ट है कि अभी ये इन्फॉर्मेशन एसेट आपके कॉमन ड्राइव में, अचानक ये डेस्कटॉप में चला गया, उसके बाद मेल्स में चला गया, और उसके बाद कॉन्टिनेंट्स में पास हो गया, अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट्स में पास हो गया। तो ये एक ब्रीफ प्रस्पेक्टिव है इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट का। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे स्टडी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमारी स्टडी कहती है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो करेक्ट सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि वनरेबिलिटी थ्रेड्स को लीड करता है कि थ्रेड्स वनरेबिलिटी को लीड करती है, कि थ्रेड्स रिस्क को लीड करता है कि रिस्क थ्रेड को लीड करता है। तो सबसे पहले वनरेबिलिटी होती है, वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर मान लिया आपका डेटा सेंटर है और वहाँ पर वो लकड़ी का बना हुआ है, तो वनरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब टेम्परेचर आपका बढ़ गया, टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब आप एक रेगिस्तान में गलती से आपने डेटा सेंटर बना दिया जहाँ पर गर्मियों में -10 डिग्री है और जाड़ों में 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। जैसे ही 50 डिग्री पहुँचेगा वो इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा और वहाँ पर फायर का थ्रेट पैदा हो जाएगा, और फायर का थ्रेट उस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेगा। तो थ्रेट क्या करता है? वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। तो वनरेबिलिटी वहाँ पर थी, जनरली वनरेबिलिटी होती है, जनरली होती है, हर समय नहीं, कई बार क्या है कि चेंजेस भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली वनरेबिलिटी होती है जिसे थ्रेट पैदा होकर अचानक एक्सप्लॉइट कर लेता है। थ्रेट आ रहा होता है और उसे एक्सप्लॉइट कर लेता है। तो वनरेबिलिटी लीड्स टू थ्रेट और फिर वो उसे रिस्क होता है। यानी कि सबसे पहले वनरेबिलिटी होनी चाहिए तभी उसको थ्रेट एक्सप्लॉइट कर पाएगा, और दूसरी बात ये वनरेबिलिटी है तो फिर थ्रेट उसे एक्सप्लॉइट कर पाएगा, और थ्रेट है तभी रिस्क होगा। अगर वनरेबिलिटी गायब कर दोगे तो थ्रेट कुछ नहीं कर सकता और वो रिस्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो वनरेबिलिटी लीड्स टू थ्रेट और थ्रेट लीड्स टू रिस्क। उसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि कौन सी चीज़ें इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों प्रोवाइड करती हैं? डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं, डिजिटल सिग्नेचर केवल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करते हैं और नॉन रेपुटेशन प्रोवाइड करते हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। डिजिटली साइन, अगर आपने डिजिटल कोई डॉक्यूमेंट साइन कर लिया है तो आपने प्राइवेट की से साइन किया है तो पब्लिक की से उसे कोई भी ओपन कर सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पर नहीं होती है। वो कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर आपने प्राइवेट की से साइन किया है उसे तो पब्लिक की से उसे कोई भी देख सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं आता। हाँ, इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट आता है।
अगर डिजिटली आपने साइन कर लिया, उसमें आप एक स्पेस भी आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। आपने एक एग्रीमेंट बनाया, उसमें एक स्पेस भी चेंज नहीं कर सकते हो। एक स्पेस चेंज करते ही वो डिजिटल सिग्नेचर्स इनवैलिड हो जाएंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर इंटेग्रिटी को इंटेग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। इंक्रिप्शन इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करती है। इंक्रिप्शन, आपने इंक्रिप्ट किया तो केवल उन व्यक्ति को दिखाई देगा जो जिनको ऑथराइज्ड लोगों को वो चीज़ अवेलेबल होगी, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो ही नहीं सकती। इंक्रिप्शन आपने प्रोवाइड कर दी। इंक्रिप्शन आप इसीलिए करते हो ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो और साथ में इंटेग्रिटी तो मेंटेन होनी ही होनी है इंक्रिप्शन में। उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स होते हैं। एक क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स क्या होते हैं? क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स इंटेग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स आप लगाओगे तो वहाँ पर क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स भी लगा सकते हो। तो डिजिटल सिग्नेचर इंटेग्रिटी और नॉन रेपुटेशन प्रोवाइड करेंगे। क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स इंटेग्रिटी में हेल्प करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी में हेल्प नहीं करेंगे। उसके बाद है ग्रैन्युलर एक्सेस कंट्रोल्स। ग्रैन्युलर एक्सेस कंट्रोल्स एक तरह से देखा जाए तो इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं, पर हमारी स्टडी इंक्रिप्शन को ज़्यादा महत्व दे रही है, ग्रैन्युलर एक्सेस कंट्रोल्स को ज़्यादा महत्व नहीं दे रही है। ग्रैन्युलर एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं? ग्रैन्युलर एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं वो एक्सेस कंट्रोल जो ग्रैन्युलर लेवल पर काम करते हैं, यानी कि कई एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कई एक्शन को परमिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक्सेस कंट्रोल क्या करते हैं? अगर आपने एक्सेस की तो ऐसा नहीं कि सारा डेटा आपको एक्सेस करेंगे, हो सकता है रीड एक्सेस दे, और कई केसेस में रीड और राइट एक्सेस दे, कई के उसमें पूरी फाइल को डिलीट करने की एक्सेस दे दे। तो यानी कि अगर आप ऑथर हो तो आपको पूरी एक्सेस देगा, वो फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आप इसके आपकी एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी तो केवल उसको रीड कर सकते हो, उसको देख सकते हो वहाँ पर डेटा, उसको मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हो। और कई लोगों को कोई ना रीड एक्सेस है, ना राइट एक्सेस है, ना कोई एक्सेस है। ये ग्रैन्युलर एक्सेस कंट्रोल है। तो ग्रैन्युलर एक्सेस कंट्रोल देखा जाए तो ये भी इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ग्रैन्युलर एक्सेस कंट्रोल में क्या है, आप एक्सेस कंट्रोल जाकर उसको एडिट कर सकते हो अगर आपको एक्सेस है, तो इंटेग्रिटी का इशू वहाँ पर आ सकता है। तो इंक्रिप्शन सबसे बेटर चीज़ है इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी क्या इंपेयर करता है अगर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो, रिलायबिलिटी क्या चीज़ इंपेयर करता है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? एक ऐसा अटैक जो डिनाइल ऑफ सर्विस कर रहा है, सर्विस को डिनाई कर रहा है, यानी अवेलेबिलिटी इशू है, यानी कि आपको डेटा अवेलेबल नहीं कर रहा है। एक बहुत सबसे बड़ा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक सबसे पहले, वैसे तो पहले भी हुए, वो याहू में हुआ। याहू में क्या हुआ कि जब भी किसी वेबसाइट पे हम किसी सर्वर के साथ हम बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कोई लैपटॉप के थ्रू या कोई इंटरनेट के थ्रू अगर हम कनेक्ट करेंगे तो थ्री वे हैंडशेक होता है, यानी कि हम उससे कनेक्ट करते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स देता है, हम एक्नॉलेजमेंट उसको करते हैं कि हमें भैया ये मिल गया, तो थ्री वे हैंडशेक होता है। तो अगर मान लिया सपोज हमने रिस्पॉन्ड किया, उसने वापस रिस्पॉन्ड किया, हमने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, तो सिस्टम का कनेक्शन नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद हमने हंड्रेड्स ऑफ मैसेज डाल दिए इसी तरीके से, और वो जब वो हमें वापस भेज रहा है, हम उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम उसके बाद इसी तरीके के लाखों करोड़ों मैसेज भेज रहे हैं। हमारे पास सर्वर्स हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स, हमने लाखों करोड़ों मैसेज भेज दिए। अब हम क्योंकि हमने एक्नॉलेजमेंट दिया तो वो कनेक्शन नहीं बना, और हम फिर उसको फिर वो भेजते हैं आपका कनेक्ट करने के लिए भेजते हैं, और फिर वो आपसे हम हाई भेजते हैं, वो भी हाई भेजता है वापस और कहता है कि एक्नॉलेज करो, हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो कनेक्शन पूरी तरीके से नहीं बन पाता है। और फिर हम भेजते हैं और इतने मैसेजेस भेजते हैं कि सिस्टम क्लॉक्ड हो जाता है। इसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है, और ये याहू में हुआ था, बहुत फेमस है। कई दिन तक हम अपनी मेल को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो हम यहाँ पर क्या हुआ, हमारी अवेलेबिलिटी का इशू आ गया। अगर मान लिया सपोज हम कोई चीज़, कोई हमारा डेटा है कहीं पर रखा हुआ है, हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अवेलेबिलिटी का इशू है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया सपोज एटीएम है या बैंक है,
अगर हम बैंक में जाते हैं, एटीएम में एटीएम कार्ड डालते हैं और मालूम पड़ा पैसा नहीं निकलता है या बैंक काम नहीं कर रहा है कुछ समय, घंटे आधे घंटे के लिए, तो वो अवेलेबिलिटी, आधे घंटे का अवेलेबिलिटी इशू है। अगर हम रेलवे रिजर्वेशन करने की कोशिश करते हैं और साइट डाउन है, तो अवेलेबिलिटी इशू है। अगर हम फ्लिपकार्ट में कोई चीज़ मंगाने की कोशिश करते हैं, उस दिन फ्लिपकार्ट की या अमेज़ोन की वेबसाइट डाउन है, वैसा ऐसा होता नहीं है, तो वही एक अवेलेबिलिटी इशू है। तो बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? एक ऐसा अटैक जो सर्विस को डिनाई करता है, यानी बाय डेफिनेशन अवेलेबिलिटी है। इसके बाद क्या है, हमारी स्टडी ये बोलती है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है रिस्क मैनेजमेंट व्यू पॉइंट से, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले वो कहती है रिस्क एक्सेप्टेंस। रिस्क एक्सेप्टेंस हमें कई रिस्क को जो हम डिवाइड करेंगे कि ये कुछ रिस्क हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रिस्क हमारी हैसियत के बाहर होगा। जैसे पॉलिटिकल रिस्क है, वो हमारी हैसियत के बाहर होगा। कुछ रिस्क ऐसा होगा कि छोटा मोटा रिस्क होगा, 100-200 रुपये का रिस्क होगा, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेबल रिस्क है। तो कई बार क्या होता है, हम एक बल्ब लेकर आते हैं मार्केट से, और बल्ब क्या होता है, आते ही कुछ दिनों बाद फ्यूज़ हो जाता है, तो हम कहते हैं ज़्यादा का नुकसान तो नहीं है, इतने का ही तो नुकसान है, कोई बात नहीं, खरीद लो, इसमें स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वोल्टेज ज़्यादा आती है तो वो जाता, तो आप कहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर क्यों लगाएंगे हम घर में, ये बल्ब जा रहा है, कोई खास कॉस्ट नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, रिस्क को एक्सेप्ट करते हो। तो ये जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, रिस्क एक्सेप्टेंस तो है, होगा ही होगा। दूसरा होता है रिस्क असाइनमेंट। आप रिस्क को असाइन कर रहे हो, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से कहते हो भैया ये रिस्क है, इतनी लेवल ऑफ रिस्क मैंने को हमें झेलने की हमारी हैसियत नहीं है, तो आप क्या करो, और इसको हम दूसरे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो हम रिस्क असाइनमेंट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क असाइनमेंट करते हैं। कई रिस्क को हम अवॉइड भी करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ रिस्क सबसे लीस्ट प्रेफरेबल स्ट्रेटेजी है, लेकिन जहाँ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई इम्पैक्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, हाई इम्पैक्ट होगा, हम अवॉइड कर देंगे। कई रिस्क अवॉइडेंस क्या है कि जैसे आप इंटरनेट से कनेक्शन नहीं छोड़ दिया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ड्रग कंपनी है और वहाँ पर आप ड्रग का रिसर्च हो रहा है, तो वहाँ पर आप कहते हो जी जो ये ड्रग के रिसर्चर हैं ये यहाँ पर कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ इंटरनेट कनेक्शन ही हटा देते हैं, तो ये रिस्क अवॉइडेंस है, अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि रिस्क अवॉइडेंस में वो अपॉर्चुनिटी भी हम खो देते हैं जो हमें रिस्क, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क लीड्स इनकैलकुलेबल रिवॉर्ड्स। अगर रिस्क लोगे तो नो रिस्क नो गेन। उसके अलावा हमारी स्टडी में दिया है डिफर द रिस्क, रिस्क को डिफर कर दो, यानी कई बार क्या होता है टाल दो रिस्क को, ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे शुतुरमुर्ग को होता है, तो वो क्या होता है कि कई बार वो रेगिस्तान में अगर कोई हमला करता है तो रेगिस्तान में रेत के अंदर मुँह छिपा देता है, उसी तरीके से हो गया रिस्क को डिफर करना, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। इसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि ये बताती है कुछ फैक्टर्स के बारे में बताती है, और वो कहती है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को कट करते हैं और बेसिक सर्विसेज इंप्रूव करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? तो ये है इंटरकनेक्टेड सिस्टम, डेटा एसेसिबिलिटी और पेपरलेस प्रोसेसिंग। अगर पेपरलेस प्रोसेसिंग हो रही है, पेपरलेस ऑफिस आ रहा है इंटरकनेक्टेड सिस्टम से, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कट हो जाएगी, सर्विसेज इंप्रूव हो जाएंगी, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएंगी। पेपरलेस ऑफिस में जो है आपकी सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पेपर की जगह है वो डिमेटेलाइज हो गया है, वो डेटा के रूप में कन्वर्ट हो गया, अब उस डेटा को संभाल कर रखना है, उस डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। पहले आपके पेपर आपके ड्रॉअर में रखा था, उसको निकालना इतना आसान नहीं था, अब वही पेपर जो है वो डेटा के रूप में रखा हुआ है, वो उसको सही तरीके से आपको रखना पड़ेगा। तो और ऑप्शंस हमारे स्टडी जो है और ऑप्शंस भी देती है, लेकिन वो बेसिकली कंट्रोल्स हैं, एक्सेस प्रिविलेजेस, सिक्योरिटी रूल्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स एंड अलर्ट्स, सिक्योरिटी प्लान्स, प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स, ये सारे जो हैं कंट्रोल्स हैं। तो बेसिकली ये कंट्रोल्स हैं, ये कोई वो ऐसी टेक्निक्स नहीं है जो आपको आपके सिस्टम को फैसिलिटेट करें और कॉस्ट कम करें और सिक्योरिटी थ्रेट्स को बढ़ाएं। ये बेसिकली कंट्रोल्स हैं जो सिक्योरिटी थ्रेट्स को घटाते हैं। एक्सेस प्रिविलेज आपने लगा दिया, वो आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स को घटाएगा। सिक्योरिटी रूल्स हैं तो वो सिक्योरिटी थ्रेट्स को घटाएगा। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स को घटाएगा। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कर रहे हो तो सिक्योरिटी थ्रेट्स को घटाएगा। रिपोर्ट्स एंड अलर्ट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स को घटाने का काम करेंगे। अगर रिपोर्ट्स और मॉनिटरिंग है तो एक तरीके का प्रिवेंटिव कंट्रोल है, आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप प्रिवेंटिव कंट्रोल्स देख रहे हैं, आप प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। सिक्योरिटी प्लान्स, प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स, जितने प्लान प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स होते हैं ये जो होते हैं डायरेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। ये बेसिकली क्या है, बाय डेफिनेशन ये कंट्रोल्स हैं, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट को कम कर रहे हैं, इससे सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ नहीं रही है।
इसके बाद हमारी स्टडी ये बोलती है कि अगर मान लिया सपोज़ कुछ आइटम्स के बारे में बोलती है, वो कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम जो रिस्क को कंट्रोल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम क्या है। अगर एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है और वहाँ पर ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, रिस्क होगा। अब अगर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिस्क होगा तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो रिस्क को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो एसेट वैल्यूएशन तो आप करोगे ही करोगे, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन भी करोगे, वनरेबिलिटी एनालिसिस भी करोगे, लेकिन लास्ट में आप क्या करते हो, थ्रेट और वनरेबिलिटी को मैच करने की कोशिश करते हो। आप ये देखते हो कौन सी वनरेबिलिटी थ्रेट को इंड्यूस करती है, थ्रेट उसको एक्सप्लॉइट करेगा, ये एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे के डिसीजंस लेते हो। तो रिस्क वैल्यू एसेट वैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो वो इसी तरह थ्रेट आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से वनरेबिलिटी एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इन सब में वनरेबिलिटी और थ्रेट को आप एक साथ होकर देख रहे हो। आप देख रहे हो कौन सी वनरेबिलिटी किस थ्रेट को इंड्यूस करती है, यानी कौन सी थ्रेट्स है वो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेता है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि जो पूरे रिस्क मैनेजमेंट में कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पढ़े, रिस्क आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, रिस्क असेसमेंट पढ़ा, रिस्क मिटिगेशन पढ़ा और रिस्क मेंटेनेंस पढ़ा। रिस्क मेंटेनेंस नहीं पढ़ा, रिस्क मेंटेनेंस कोई कॉन्सेप्ट या सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट और मिटिगेशन, इसमें सबसे डिफिकल्ट क्या है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को आइडेंटिफाई करना ईजी है, आपको पता चल जाएगा आग लगेगी, पावर वो हो जाएगा, वायरसेस आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और रिस्क असेसमेंट डिफिकल्ट होता है। रिस्क असेसमेंट में आपको रिस्क को असेस करना है और रिस्क को एक वैल्यू देनी है, रिस्क को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नज़रिए से देखना है और उस तरीके से रखना है, तो वो असेसमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की ज़रूरत होती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, उसके बावजूद भी वहाँ पर फेलियर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रिस्क असेसमेंट में आप एक वैल्यू एनालाइज करते हो। जैसे हमने एक फॉर्मूला, एक सिंपल बोला, रिस्क इज इक्वल टू एसेट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकलीहुड या अकरेंस मल्टीप्लाइड बाय वनरेबिलिटी फैक्टर, और आप एक रिस्क को एक वैल्यू दे देते हो। उससे केवल इतना होता है कि दूसरा आदमी जब आता है और उस चीज़ को एनालाइज कर रहा होता है तो उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। मतलब रिस्क असेसमेंट इसी तरीके से है जैसे क्रिकेट की बॉल आ रही है तो आप अच्छे खिलाड़ी हो, एक्सपीरियंस जो सचिन तेंदुलकर हो, तो छक्का मार सकते हो। आप उसको असेस करते हो, आपका ब्रेन असेस करता है और छक्का मार देता है, लेकिन आप हर बॉल को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये आएगा तो ये होगा। ये कोई बॉल तेज भी आ सकती है, हल्की भी आ सकती है, अलग अलग टाइप के रिस्क हैं, वो उनकी प्रोबेबिलिटी आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं कब कहाँ से कौन सा रिस्क आएगा। तो रिस्क असेसमेंट बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एग्जैक्ट साइंस नहीं है। रिस्क असेसमेंट सबसे डिफिकल्ट है। एक बार आपने रिस्क असेस कर लिया, आपने कर लिया ये रिस्क है, ये लेवल ऑफ रिस्क है, उसको एक पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दी, एक सब्जेक्टिव वैल्यू दे दी, ऑब्जेक्टिव वैल्यू आप नहीं दे सकते, एक सब्जेक्टिव वैल्यू दे दी आपने, और एक किसी तरीके से आपने एक वैल्यू क्रिएट कर दी और एक मैट्रिक्स क्रिएट कर दी, ये सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ है, उससे कम है, उसके उससे कम है, उससे कम है, इस तरीके से आपने प्रायोरिटाइज कर दिया। तो उसके बाद रिस्क मिटिगेशन कर सकते हो, उस रिस्क को कम करने की कोशिश कर सकते हो। आपको एक पता चल जाता है ये रिस्क यहाँ पर ये है, और उसमें क्या है कि जैसे बैंक का सर्वर है, ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, आप बोलते हो कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सबसे रिस्की है। यहाँ पर असेसमेंट कर लिया, अब आपने उसको एक वैल्यू दे दी कि इतने अरबों रुपये का नुकसान हो जाएगा, आपने एक रुपये के टर्म्स में वैल्यू दे दी, दो हम नहीं दे सकते हैं उसे। उसके बाद आप उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो, उसमें फायरवॉल, आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और डिफरेंट तरीके की सिक्योरिटी, लॉजिकल, फिजिकल सारे कंट्रोल्स आप उसमें लगा सकते हो, उसके बाद उसका बैकअप रख सकते हो, कई चीज़ें कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट डिफिकल्ट होता है और कई ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट करना ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैनेजमेंट इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। टॉप मैनेजमेंट, वीपीस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, इतने उसको कई जगह एक्सपीरियंस होते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते।
उसके बाद हमारी स्टडी में बोला है कि रिस्क को एसेस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क को एसेस करने से पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसमें कई ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले ऑप्शन है आइडेंटिफाई द रिस्क रिस्पॉन्स एक्शन। रिस्क रिस्पॉन्स एक्शन तो तभी आप देखोगे जब रिस्क असेसमेंट कर लोगे, मतलब रिस्क को एसेस करने के बाद करोगे, पहले नहीं करोगे। तो इसलिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन ही आंसर है। रिस्क आइडेंटिफाई रिस्क को एसेस करने के पहले करोगे, पहले आइडेंटिफाई करोगे तभी तो उसे एसेस करोगे। रिस्क को मैनेज कब करोगे, जब रिस्क असेसमेंट करा उसके बाद ही उस रिस्क को मैनेज करोगे। रिस्क को कैलकुलेट कब करोगे, रिस्क मतलब रिस्क असेसमेंट के बाद ही उसे कैलकुलेट करोगे, सॉरी जब रिस्क असेसमेंट कर रहे हो तब रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हो। बेसिकली रिस्क को कब कैलकुलेट कर रहे हो, जब रिस्क असेसमेंट कर रहे हो तो रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हो। मैनेज कब करोगे, रिस्क असेसमेंट के बाद करोगे। कैलकुलेट कब कर रहे हो, जब रिस्क आप असेसमेंट कर रहे हो उस टाइम पर रिस्क का कैलकुलेशन कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक वैल्यू दे रहे हो, एक आर्बिट्ररी वैल्यू दे रहे हो, किसी तरीके से वैल्यू दे रहे हो, एग्जैक्ट साइंस नहीं है फिर भी एक वैल्यू दे रहे हो। लेकिन आपको रिस्क रिस्पॉन्स एक्शन कब होगा, रिस्क रिस्पॉन्स एक्शन इस असेसमेंट के बाद होगा, लेकिन रिस्क आइडेंटिफिकेशन इससे पहले होगा। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन पहले होता है, पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो फिर बाकी चीज़ें करते हो। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है सिक्योरिटी रूल्स और प्रोसीजर्स जो हैं वो एसेट को प्रोटेक्ट करते हैं, एक चीज़, उसके अलावा क्या क्या करते हैं। तो हमारी स्टडी में दिया है कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हर व्यक्ति को अप्लाई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना चाहिए। जनरली सिक्योरिटी रूल्स और प्रोसीजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे व्यक्तियों को अप्लाई करते हैं, और कई जगह पर सिक्योरिटी रूल्स और प्रोसीजर्स पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, पर्टिकुलर रूल्स और प्रोसीजर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। तो ये एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों को ये अप्लाई करते हैं, ये हम नहीं कह सकते। मतलब कई सिक्योरिटी रूल्स और प्रोसीजर्स कई डिपार्टमेंट के लिए बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्वर है, सर्वर रूम में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जा सकता है, बाकी लोग नहीं जा सकते हैं। तो बाकी लोगों के लिए एक पर्टिकुलर रूल है, उस व्यक्ति के लिए जो एक्सेस ले सकता है उसके लिए एक पर्टिकुलर रूल है। या ऑर्गेनाइजेशनल मिशन को सिक्योरिटी रूल्स और प्रोसीजर्स सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि वो बोलता है कि ये रिस्क एनालिसिस से जस्टिफाइड होनी चाहिए, ये सबसे पैरामाउंट है। रिस्क एनालिसिस ऊपर होता है और रूल्स और प्रोसीजर्स नीचे होते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल मिशन जो होता है वो सबसे टॉप मोस्ट होता है, उसके बाद रिस्क एनालिसिस होता है, और उसके बाद सिक्योरिटी रूल्स और प्रोसीजर होते हैं। यानी सिक्योरिटी रूल्स और प्रोसीजर रिस्क एनालिसिस से जस्टिफाइड होनी चाहिए, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारी स्टडी बोलती है कि इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटेग्रिटी डेटा को क्या करता है, डेटा को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, अनऑथराइज चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है, एक्सीडेंटल चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है, इंटेंशनल मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करता है। इंटेग्रिटी का मतलब यही होता है कि इंटेंशनल मैनिपुलेशन नहीं हो, इंटेंशनल मैनिपुलेशन हो गया इंटेग्रिटी लूज़ हो जाएगी, एक्सीडेंटल चेंज हो गया तब भी इंटेग्रिटी हो जाएगी, अनऑथराइज चेंज हो गया तब भी इंटेग्रिटी लूज़ हो जाएगी। यानी कि ऑथराइज्ड चेंज होने चाहिए, उसके अलावा ऑथराइज चेंजेस के अलावा अगर डेटा में कोई भी चेंज हो गया तो इंटेग्रिटी की लॉस ऑफ इंटेग्रिटी होगी वहाँ पर। तो डेटा एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो वो इंटेग्रिटी को उससे कुछ नहीं होता है। तो डेटा एनालिसिस के टाइम पर इंटेग्रिटी को कुछ नहीं होता, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ों से इंटेग्रिटी को प्रॉब्लम आ जाती है। अगला जो है हमारी स्टडी कहती है रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम रिस्क को एनालाइज करते हैं, एसेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं और उसके लाइकलीहुड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन थोड़ी अलग चीज़ है, नो डाउट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी रिस्क मैनेजमेंट का एक, रिस्क मैनेजमेंट बिना रिस्क आइडेंटिफिकेशन के नहीं चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा अलग चीज़ है। क्यों अलग चीज़ है, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए यहाँ पर। रिस्क आइडेंटिफिकेशन कोई दूसरा व्यक्ति करना चाहिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे उस जिस व्यक्ति ने रिस्क को आइडेंटिफाई किया वही रिस्क को मैनेज कर रहा है, तो वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है। यानी वो रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो कहेगा थोड़ा काम कम हो जाए और कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन आपकी कंपनी में जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर रहा है वो कोई बाहर का बंदा होना चाहिए, कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई आईएएस ऑडिटर टाइप एक्सपीरियंस लिए हुए बंदा होना चाहिए,
तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन कॉमनली हम अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि रिस्क आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दूसरा बंदा आता है और रिस्क के मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट करता है। क्या करता है वो, रिस्क को एनालाइज करेगा, असेस करेगा, एक्सेप्ट करेगा या मिटिगेट करेगा, या तो उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लेगा या मिटिगेट कर देगा, और फिर वो रिस्क मैनेजमेंट के टाइम पर वो देखेगा क्या लाइकलीहुड है रिस्क के होने का, और उसी के अनुसार वो सारे डिसीजंस लेगा। इसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि वनरेबिलिटी का एक एग्जांपल बताती है। अगर सप्रेशन सिस्टम नहीं है, फायर सप्रेशन सिस्टम आपके वहाँ नहीं लगा है, तो वो एक्सपोजर है, थ्रेट है, रिस्क है, वनरेबिलिटी है, वो बेसिकली वनरेबिलिटी है। फायर सप्रेशन सिस्टम नहीं है तो क्या है, वो एक वनरेबिलिटी है जिसे थ्रेट एक्सप्लॉइट कर लेगा। वो एक्सपोजर भी नहीं है, अभी एक्सपोजर नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो रिस्क अभी वो रिस्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर वनरेबिलिटी नहीं है, वनरेबिलिटी जीरो है, तो वो रिस्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली एब्सेंस ऑफ फायर सप्रेशन सिस्टम एक वनरेबिलिटी है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है रिस्क को अवॉइड करना चाहिए। रिस्क को एक ही कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए कि रिस्क इवेंट अनएक्सेप्टेबल है। अगर रिस्क हो गया तो भाई साहब कंपनी चली जाएगी, तो उस समय बहुत हाई प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो लोग रिस्क लेते हैं। आजकल एडवेंचर स्पोर्ट होते हैं, उसमें पता चलता है 1-2 लाख लोगों में कोई मर गया, लेकिन फिर भी राफ्टिंग या इन सब चीज़ों में लोग जाते हैं, या जो अबंगी जंपिंग वगैरह इसमें लोग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, बहुत प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बहुत लो है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत हाई है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, लेकिन वहाँ पर भी फिर भी रिस्क लेते हैं। तो रिस्क आपका, रिस्क कब अवॉइड करना चाहिए, जब रिस्क इवेंट अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद रिस्क कब एक्सेप्ट करना चाहिए, जब आप रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस को लेने के लिए तैयार हो। अगर मान लिया सपोज ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ जल रही है और उसकी वैल्यू 4-5 हज़ार रुपये है, रिप्लेसेबल है ईजिली, तो आप कहते हो ठीक है ये इसका रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर है, उस वो अगर प्रॉब्लम आ जाए उसमें, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो तो रिस्क को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो अगर आप एक कॉन्टिंजेंसी प्लान डेवलप कर रहे हो रिस्क के लिए, तो आप एक रिस्क को मैनेज कर रहे हो, ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये रिस्क एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप रिस्क को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये रिस्क ट्रांसफ़र है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क ट्रांसफ़र कर रहे हो तो रिस्क ट्रांसफ़र है, ये रिस्क एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क को रिड्यूस कर रहे हो तो रिस्क मिटिगेशन या रिस्क रिडक्शन है, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अब आप एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आप पहले तो रिस्क की प्रोबेबिलिटी को घटाने की कोशिश करते हो, और अगर वो नहीं होता है तो स्कोप चेंज करने की कोशिश करते हो, बजट को रीशेड्यूल करते हो, और उसके अलावा क्वालिटी स्पेसिफिकेशन चेंज करने की कोशिश करते हो, शेड्यूलिंग चेंज करने की कोशिश करते हो। अगर मान लिया सपोज एक प्रोजेक्ट है, अगर मान लिया सपोज आपको आप एक जिस समय सुनामी आई और न्यूक्लियर पावर प्लांट फुजिकामा का डिज़ास्टर हुआ, उस समय एक न्यूक्लियर प्लांट अगर और बन रहा था, तो आपको पता चल जाता है रिस्क, ये रिस्क है। तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में फिर आप क्वालिटी बढ़ा देते हो, आप कहते हो जी अगर अर्थक्वेक आया और एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा अर्थक्वेक आ गया, और आप सोचते हो इतना अर्थक्वेक तो यहाँ पर आएगा नहीं, लेकिन आप कुछ चीज़ बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हो, या आप एक कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना रहे हो, बांध बना रहे हो, डैम बना रहे हो, तो वहाँ पर आप उसको रिस्क को रिवाइज़ करते हो प्रोजेक्ट में। आप कहते हो कि इतना का हम सोचते नहीं थे, लेकिन इतने का के पास का भूकंप आ गया, तो आप जो है रिस्क की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हो, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने की कोशिश करते हो, सिवियरिटी इम्पैक्ट को, ये सारी चीज़ें आप कम करने की कोशिश करते हो। तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में आप ये सारी चीज़ें करते हो। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिस्क को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसको एनालाइज करते हैं, और फाइनली उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये तीन चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट में, ये तीन स्टेप हैं हर चीज़ में। बेसिकली अगर कोई भी चीज़ मैनेज करोगे, पहले आइडेंटिफाई करोगे, दूसरा एनालाइज करोगे, पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे, एसेट्स को आइडेंटिफाई करोगे, वो क्रिटिकल एसेट्स को, फिर एनालाइज करोगे रिस्क को, उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करोगे, फिर कंट्रोल्स लगाओगे बेसिकली। उसके अलावा प्रोजेक्ट रिस्क के तीन की फैक्टर्स क्या हैं,
प्रोजेक्ट रिस्क के तीन फैक्टर्स, सबसे पहले रिस्क इवेंट है, रिस्क प्रोबेबिलिटी, अमाउंट एट स्टेक है। जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप ये देखोगे रिस्क क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और क्या अमाउंट स्टेक में है। अगर ज़्यादा अमाउंट स्टेक में है तो ज़्यादा रिस्क है। अगर रिस्क इवेंट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, रिस्क प्रोबेबिलिटी के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप इनको अकरेंस, फ्रीक्वेंसी, कॉस्ट कह सकते हो, पर ये स्टैंडर्डाइज टर्म नहीं है। स्टैंडर्डाइज टर्म है रिस्क इवेंट, रिस्क प्रोबेबिलिटी और अमाउंट एट स्टेक। मतलब अकरेंस, फ्रीक्वेंसी और कॉस्ट स्टैंडर्डाइज टर्म नहीं है। उसके बाद क्या है कि जहाँ पर इम्पैक्ट की बात होती है वहाँ इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर टाइप के रिस्क के प्रस्पेक्टिव में देखा जाता है। तो आप सीवियरिटी इम्पैक्ट देख रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ इम्पैक्ट देख रहे हो, तो पर्टिकुलर रिस्क के प्रस्पेक्टिव से देख रहे हो कि फायर है तो क्या है, ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क को नहीं देख रहे हो। फायर से क्या इम्पैक्ट होगा, क्या सीवियरिटी होगी, क्या ड्यूरेशन होगा, कॉस्ट क्या होगा, मतलब ओवरऑल नहीं देख रहे हो। तो तीन फैक्टर जो प्रोजेक्ट रिस्क को कैरेक्टराइज करेंगे, रिस्क इवेंट, रिस्क प्रोबेबिलिटी और अमाउंट ऑफ स्टेक है। क्योंकि सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट देख रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट देख रहे हो, तो एक पर्टिकुलर थ्रेट के प्रस्पेक्टिव में देख रहे हो, फायर के प्रस्पेक्टिव में, सुनामी के प्रस्पेक्टिव में, वायरस के प्रस्पेक्टिव में, या अगर गलती से अनऑथराइज्ड एक्सेस होगी उसके प्रस्पेक्टिव में, इन सब के प्रस्पेक्टिव में देख रहे हो। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, टाइप ऑफ रिस्क कैटेगरी देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंपैक्ट देख रहे हो, तो वो भी एक पर्टिकुलर थ्रेट के प्रस्पेक्टिव में देख रहे हो, ओवरऑल के प्रस्पेक्टिव में आप नहीं देख रहे हो। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आप देखते हो कि एक रिस्क है और रिस्क को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, कंटिंजेंसी प्लान बनाते हो। मतलब आप रिस्क को जब रिड्यूस नहीं करते हो तो फर्दर स्टडीज़ क्यों करोगे, डिसरिगार्ड भी नहीं करोगे उसको, कंटिंजेंसी प्लान बनाओगे। अगर मान लिया सपोज एक प्रोजेक्ट एलिमेंट है, वहाँ पर फेलियर हो सकता है और उससे रिस्क हो सकता है और उससे या उसे रिस्क एक्सपोजर हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप कोशिश करोगे उस एक्सपोजर को मिटिगेट करने की कोशिश करोगे, कम करने की कोशिश करोगे, एक पर्टिकुलर अप्रोच लोगे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी लोगे। लेकिन अगर आप ये देखते हो इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो फिर तो कंटिंजेंसी प्लान बनाओगे। मतलब उसमें फर्दर स्टडी और एनालिसिस, ताकि कोई अल्टरनेटिव फाइंड आउट हो सके, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, मतलब सारी चीज़ें आप देख चुके हो। आपको फाइनली अगर वो कम नहीं हो सकता है, रिस्क एक्सपोजर रिड्यूस नहीं हो सकता, आपको लगता है कि रिस्क एक्सपोजर रिड्यूस नहीं हो सकता है, तो आप उसको डिसरिगार्ड भी नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी छोड़ दोगे, एक्टिविटी आप तब छोड़ोगे जब बहुत ही हाई रिस्क है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई रिस्क है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में, कई केस में आप वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई रिस्क और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पैक्ट होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज क्या है कि आप कंटिंजेंसी प्लान बनाओगे। तो प्रोजेक्ट सेटिंग में क्या होता है, जनरली रिस्क देख लिया जाता है। प्रोजेक्ट सेटिंग में रिस्क मैनेजमेंट आ गया है, इंडिया में पर्टिकुलरली आ गया है, लोग रिस्क देख लेते हैं। उसके लिए जब भी बजटिंग होती है तो ये बताते हैं ये रिस्क है, ये रिस्क चीज़ें हो सकती हैं, ये कंटिंजेंसी हो सकती हैं। प्रोजेक्ट बजटिंग, प्रोजेक्ट्स के सिनेरियो में रिस्क मैनेजमेंट आ चुका है काफ़ी हद तक, सीनियर मैनेजमेंट उसे देखता है। लेकिन अगर एक बिजनेस है, एक चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चल रहा है, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट जनरली नहीं करता है। कि इसलिए नहीं करता है क्योंकि कई बार क्या, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वेस्टेड इंटरेस्ट कम होते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट एक छोटे टर्म के लिए होता है, उसे प्रॉफिट निकालना होता है, और प्रॉफिट नहीं निकला तो फिर वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर पर आँच आती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पर ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट करता है, अपने आप को बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को, सबसे पहले रिस्क को, सारे रिस्क को लेने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और टॉप मैनेजमेंट को बताता है कि ये रिस्क है। तो अगर नॉर्मल